सो वेलकम बैक स्टूडेंट एंड नाउ दिस इज योर विजय है और आप सभी लोगों का दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। सो एज यूजुअल आप सभी लोगों को पता है कि टर्म वन का एग्जामिनेशन क्लास 11th के बच्चों का खत्म हो चुका है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द स्टूडेंट जो क्लास 11th में है पर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो अभी बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि स्टडी टर्म टू की तैयारी कैसे करनी है। रिलैक्स होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि टर्म टू अब आपके लिए एक पूरी तरीके से युद्ध की तरह हो गया है। सो दैट इज व्हाई इन दिस क्लास मैं आप सभी लोगों के लिए एक रामबाण लेके आया हूँ। रामबाण इन द सेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको बताया जाएगा कि टर्म टू की तैयारी जो है आप लोगों को किस तरीके से करनी चाहिए या क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या डिलीट हो गया है क्या आएगा, कितना पढ़ना है कितने समय में पढ़ना है, वो सही तरीके से आप लोगों को पता होना जरूरी है। बिकॉज हम लोग हिस्ट्री की सब्जेक्ट पढ़ाते ज्यादा हैं, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, उसके बाद आपका फिजिकल है, उसके बाद आपका क्या कहते हैं फाइन एंड आर्ट है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आर्ट्स के रिलेटेड बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूज क्रिएट करता है कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। टर्म वन के लिए हम आप सभी लोगों के साथ आपके साथ जुड़े रहे थे और अब सॉरी टर्म वन में हम आपके साथ जुड़े रहे थे, अब टर्म टू के अंदर भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। सो जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि एक युद्ध चाहता तो श्री कृष्ण जी चाहते तो श्री कृष्ण जी काफी आसानी से एक युद्ध को जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन को सही तरीके से उपदेश दिया कि ये सही स्ट्रैटेजी हो सकती है, अगर आपको युद्ध जीतना है तो ये सही तरीका हो सकता है। सेम ऐसा ही अगर हम देखें तो राम भगवान ने क्या कहते हैं विभीषण की मदद ली थी किसको मारने के लिए, रावण का वध करने के लिए। तो आप देखिए थे कि एंशियंट टाइम पीरियड से कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी का मेंटोर रहा है। मेंटोर क्यों रहा है, यहाँ पे कृष्ण जी ने अर्जुन को सही तरीका सही मार्ग बताया कि इस तरीके से युद्ध को जीता जा सकता है। सेम इस तरीके से राम भगवान जी को यहाँ पे जो विभीषण है उन्होंने हेल्प करी। तो इस तरीके से ई पाठशाला चैनल आपको एक रामबाण बताएगा कि आपको युद्ध लड़ने के लिए एक सही रणनीति क्या हो सकती है और आपको किस तरीके से सही प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप टर्म टू के लिए तैयार होना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पे आके रुक चुके हैं, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि जितना भी क्लास 11 के कंटेंट से रिलेटेड है और ई पाठशाला चैनल आपके लिए मदद कर सकता है, ई पाठशाला चैनल आपके लिए मदद करेगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अगर आप लोगों को पता हो तो जुलाई 5 के अंदर सीबीएसई बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी करा था। इस सर्कुलर के अंदर उन लोगों ने पहली बताया था कि टर्म वन का जो एग्जामिनेशन है वो नवंबर से दिसंबर 2021 के बीच तक कंप्लीट हो जाएगा। उन लोगों ने कहा था कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेंगे, एस्टिमेशन रीजनिंग बेस्ड टाइप क्वेश्चन होंगे, ऑफकोर्स ओएमआर शीट पर पेपर लिया जाएगा और ये उन लोगों ने करके दिखा दिया। आपका प्रैक्टिकल हो गया, आपके ठीक ठाक मार्क्स आ गए और मैं आई होप ये आपको बता दूं कि आप सभी लोग तैयार हो चुके होंगे अब टर्म टू पढ़ने के लिए, क्योंकि टर्म टू के अंदर जितना भी कुछ होना था वो सारा का सारा डिसाइड हो गया और ये सारी चीजें हो चुकी है। लेकिन अब टर्म टू के लिए अगर आपको पता हो तो पहले से बताया जा चुका था टर्म टू के लिए कि मार्च अप्रैल 2022 तक 10वीं और 12वीं के जो बच्चे होंगे ना उनका एग्जाम इस टाइम पीरियड तक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद क्या कहते हैं जो 11th क्लास के बच्चे होंगे उनका या तो मार्च के एंड तक या फरवरी की शुरुआत या एंड के बीच में लगभग खत्म या स्टार्ट होगा। वो अलग अलग स्कूल के अलग अलग थीसिस के हिसाब से अलग अलग टाइम टेबल के हिसाब से होता है। तो कहने का मतलब आपके पास सिर्फ दो महीने बचे हुए तैयारी करने के लिए और यहाँ पे बोला गया कि अब आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा 2 घंटे का टेस्ट होगा और यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन ऑफकोर्स जैसे होता रहता था वैसा होगा। लेकिन फिर भी इन लोगों ने एक क्लॉज डाला हुआ है, इन लोगों ने कहा कि अगर ओमिक्रॉन होता है या कोई दोबारा से कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो शायद से ये लोग आप लोगों से एमसीक्यू टाइप जो 90 मिनट का पेपर अभी टर्म वन के अंदर हुआ था वो ये लोग लेंगे टेस्ट। मतलब अभी कंफर्म नहीं है कि ये लोग रिटर्न वाला लेंगे या 90 मार्क्स वाला लेंगे पेपर, अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन इन लोगों ने पहले ही बता दिया था कि अगर एंड टाइम तक आते आते अगर कोरोना वायरस बढ़ जाता है या केसेस बढ़ जाते हैं तो या तो एमसीक्यू पेपर ले लेंगे ये लोग और नहीं तो अगर पीक पे चला गया कोरोना तो शायद से जो टर्म वन में आपके एग्जाम का टेस्ट हुआ था आपको शायद से उसी में ही पास कर दिया जाए। लेकिन अगर मान लीजिए कि रिटर्न बेस्ड एग्जाम हुआ और रिटर्न बेस्ड एग्जाम हुआ तो उस बिहाफ पे आप लोगों को क्या पढ़ना होगा वो हमें समझना जरूरी है, क्योंकि आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए सारे सब्जेक्ट होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें से मेन आपका क्या कहते हैं फाइन आर्ट हो गया, उसके बाद आपका क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, उसके बाद सोशियोलॉजी हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, लीगल स्टडी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका बिजनेस स्टडी तो उसका चला जाता है, इकोनॉमिक हो गया आपका, है ना।
और ये मेन सब्जेक्ट है जो आर्ट साइड के बच्चों के लिए होते हैं। अगर ये आर्ट साइड के बच्चों के लिए हैं तो इनका आपको सिलेबस कंप्लीट एनालाइज होना जरूरी है कि सिलेबस है क्या। टर्म वन के अंदर हिस्ट्री में ये चैप्टर्स आए थे, टर्म टू के अंदर सिर्फ ये चैप्टर आएंगे। तो अगर आप इनके अलावा कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। 2 महीने के अंदर 4 चैप्टर कंप्लीट होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप हिस्ट्री के सब्जेक्ट कर सकते हैं। और जो भी बच्चे हैं जिनका स्टेट बोर्ड वाला पेपर हो रहा है तो ऑफकोर्स उनके सारे आएंगे, तो हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए सारे आएंगे। जो स्टेट बोर्ड के यूपी बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान इधर के जो बच्चे देखते हैं हमारे चैनल को, तो उनके लिए सारा का सारा आएगा। उसके बाद अगर पॉलिटिकल की बात करें तो पहले ये चैप्टर आए थे टर्म टू के अंदर, अब ये चैप्टर आएंगे, 3 चैप्टर इसके और 3 चैप्टर इसके। तो ये चैप्टर आप देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इनको याद करना। उसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में ये आए थे अब ये आएंगे, यानी कि यूनिट फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर यूनिट 4, 5 और 6 आएगा, और फिजिकल एजुकेशन एनवायरनमेंट के अंदर क्लाइमेट वेजिटेशन से यूनिट 3 आएगा। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक की, तो इकोनॉमिक में ये चैप्टर आ रहे हैं, पहले ये आ रहे थे अब ये आ रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा, ये मैंने पहले से ही अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप cbseacademy.nic.in पे जाओगे तो आपको पूरी सिलेबस वाइज जो है, आपको सर्कुलर्स वाइज जो है, टर्म वाइज जो है, पूरा का पूरा मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सोशियोलॉजी का है, ये स्टार्ट करेंगे हम अपने चैनल के ऊपर। तो टर्म टू के लिए जो चैप्टर्स ये वाले आ रहे हैं ये हमारे चैनल के ऊपर स्टार्ट होंगे बच्चों के लिए, ये प्रॉमिस है मेरा कि हम स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा आपका साइकोलॉजी की बात करें तो पहले ये चैप्टर आते थे 3, अब चैप्टर आ रहे 4। 2 महीने के अंदर 4 चैप्टर प्रिपेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है। फाइन आर्ट के अंदर अगर आपका पेंटिंग है तो ये कोड है, ग्राफिक है तो ये, स्कल्पचर ये है, और आर्ट कमर्शियल आर्ट वाला तो ये कोड। इस कोड के लिए भी मैं आपको बता दूं कि फाइन आर्ट जो है वो भी हमारे चैनल पे क्लास 11 के बच्चों के लिए स्टार्ट हो चुका है। अब बात ये आती है कि ये तो चलो चैप्टर हो गया, डिलीट चैप्टर समझ में आ गया, कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से चंगे होके देखिएगा, बाद में भी देख सकते हैं। अब सपोज माने कि हमें समझ में आ गया, ठीक है ये चैप्टर नहीं आ रहा तो हमें ये नहीं पढ़ना, बट ई पाठशाला चैनल इस टर्म 2 के एग्जामिनेशन में क्लास 11 के बच्चों की प्रिपरेशन में मदद कैसे करेगा, तो उसका सिंपल सा स्ट्रेटजी तरीका ये है। अगर आप टर्म 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास हिस्ट्री के लेक्चर्स जो टर्म 2 के अंदर जितने भी आ रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट करिए। सारे के सारे टर्म 2 के चैप्टर्स पहले से ही हमने लेक्चर बना के अपलोड करे हुए हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, हमें इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि सर हमने सारे चैप्टर कर लिए हैं, हमें टेलीग्राम पे नोट्स दे दीजिए। वैसे भी सारे नोट्स पहले से अपलोड है। हिस्ट्री के ई पाठशाला चैनल आपके लिए मदद कर सकता है, हिंदी इंग्लिश की पहले से प्लेलिस्ट तैयार है, आप जाके वॉच आउट करिए। बात रही राजनीति की, तो राजनीति की 2 बुक है, 2 बुक का, 1 बुक के सारे चैप्टर अपलोड हो रखे हैं, दूसरी बुक के भी सारे चैप्टर अपलोड हो रखे हैं जो टर्म 2 के अंदर आएंगे। स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए सारे चैप्टर टर्म 2 टर्म 1 जो भी पढ़ना है सारा अपलोड है। ज्योग्राफी की बात करी जाए तो टर्म 2 के अंदर जो चैप्टर आ रहे हैं उसके कुछ चैप्टर अपलोड हुए हैं, आगे चैप्टर कंटिन्यू होते रहेंगे। तो चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको ज्योग्राफी की लाइव सीरीज, एमसीक्यू, क्वेश्चन आंसर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे, आप जाके बिंदास होकर इन चैप्टर को देख सकते हैं। बात करते हैं फाइन आर्ट की, तो फाइन आर्ट के लिए अभी हमने एक चैप्टर डाला हुआ है, लेकिन इसके ऊपर आपको आगे वीडियो मिलती चली जाएगी। फाइन आर्ट का हमने सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद इंग्लिश के लिए भी हमारे पास सारे चैप्टर क्लास 11 का जो है सारा का सारा चैप्टर अपलोड है, आप जाके वॉच आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये बातें समझ में आ गई बच्चों की, ठीक है, ये सारी चीजें जो आपके चैनल पे अवेलेबल है, नोट्स आप टेलीग्राम पे दे देंगे, इंस्टाग्राम पे हम जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, सब कुछ मिलता चला जाएगा। लेकिन अब बात ये आती है कि मान लीजिए कि हमारे पास ये सब्जेक्ट जो है जो आप पढ़ा रहे हैं हमें आपसे समझ में नहीं आ रहा, भैया हमें दूसरे चैनल से पढ़ना है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों पे भरोसा नहीं हो पा रहा है पाठशाला पे कि आप इन सब्जेक्ट को कब स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं है हमारे अभी चैनल पे, तो इकोनॉमिक के लिए क्या बेटर हो सकता है, सोशियोलॉजी के लिए क्या बेटर हो सकता है, साइकोलॉजी के लिए क्या हो सकता है, फाइन आर्ट के लिए क्या हो सकता है, और भी दूसरे अदर सब्जेक्ट हो सकते हैं कि उनके लिए क्या हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ई पाठशाला चैनल की क्लास 11 के बच्चों के लिए, जो बच्चे जम्मू एंड कश्मीर में है, लद्दाख में है, जो बच्चे आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, बंगाल में, ऐसी बहुत जगह से ई पाठशाला चैनल को वॉच किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उन बच्चों के लिए भी हमें मदद करने की जरूरत है। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको क्या करना होगा, हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, इस गूगल फॉर्म में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अपना ईमेल आईडी डालना है, आपको बताना है कि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आप बता सकते हैं कि इस चैनल के ऊपर ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ाया जा सकता है, तो आप वहां पे उस चैनल का नाम लिख दीजिए, वो चैनल किस सब्जेक्ट में बहुत स्पेशल है वो बता दीजिए, और उस चैनल का लिंक डाल दीजिए, ताकि हम आपको 11 क्लास के अलग से एक वीडियो बना सके कि 11 क्लास के आर्ट्स के जो बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज के जो बच्चे हैं,
वो बच्चे किस तरीके से दूसरे और चैनल से जाके पढ़ सकते हैं कि ये चैनल बेस्ट है इस सब्जेक्ट के लिए, आप वहां से फ्री में लेक्चर अपलोड है आप लोगों के लिए, आप वहां जाके वॉचआउट कर सकते हैं। तो टर्म टू की प्रिपरेशन कोई बड़ी बात नहीं है, ई पाठशाला का चैनल आपको जितनी मदद कर सकता था वो आपकी मदद पूरी करेगा। जो लेक्चर्स अपलोड नहीं है वो अपलोड होते रहेंगे। इंस्टेंट अगर आप सभी लोगों को अपना चैप्टर्स कंप्लीट करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपने गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को जाइए फिल करिए। मान लीजिए इकोनॉमी का हमारे चैनल पे अभी 11th क्लास का नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि ये सही हो सकता है, लेकिन मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप भी अपना थोड़ा सा इनपुट दीजिए, हमें बताइए कि हाँ आप लोगों ने क्या कहते हैं मतलब कौन सा सर ये चैनल बेस्ट है। मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि कोई बच्चा अगर इससे पढ़ेगा तो ये चैनल बेस्ट हो सकता है, बच्चा इससे पढ़ सकता है। तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा सभी बच्चों के लिए कि आप इन सारी क्लासेस के लिए, इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप इनके पास, इन टीचर्स के पास, ई पाठशाला से, ई पाठशाला के अलावा भी जो बच्चे स्पेशली इंग्लिश में जाते हैं, स्पेशली हिंदी में जाते हैं, तो वो इन इन चैनल पर जा सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये एक रामबाण तरीका था आप लोगों का, अभी तो हम तैयारी में लग चुके हैं। ठीक है, सो अभी तक इतना ही, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि जितने लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन जाएगी क्लास 11 के बच्चों के लिए उतना ज्यादा भला होगा। और ऑफ कोर्स आपको पता है पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया, और शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयर करेंगे तो ज्यादा लोगों तक हमारी आवाज पहुंच पाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।